ये देखिए बोर्ड पे आपको एक पजल दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके के पजल कैसे हम कैसे सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, मैं आज आपको ये बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दूंगा और इसको क्या करूंगा सेकंड इक्वेशन दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या कर सकते हो, इसमें एडिंग वन एंड टू इक्वेशन कर दूंगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखना, एडिंग वन एंड टू इक्वेशन, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद देखिए समझ, दोनों इक्वेशन लिखेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू कितना है गाइस, 76 है। इसके बाद देखिए ए माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है, ये हमको दिया है 38, ठीक है। तो देखिए गाइस मैं इसको क्या करूंगा, देखो प्लस बी और माइनस बी डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचाए गाइस 2a बचेंगे, ठीक है, इक्वल टू ये कितना टोटल हो जाएंगे गाइस, देखिए 41, ठीक है, 114 आ रहा है। तो इस पर देखिए इसमें क्या करूंगा, देखिए a इक्वल टू 114 डिवाइड में क्या कर दूंगा गाइस, ये 2, ठीक है। तो मेरा आंसर आ रहा है ये 57, ठीक है। मेरे को a की वैल्यू मिल गई है 57, तो मेरे को b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, पुट a इक्वेशन वन, ठीक है, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे गाइस। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 57 प्लस क्या दिया है बी इक्वल टू क्या गाइस, 76 है, ठीक है। तो देखिए गाइस मैं क्या करूंगा, 76 जैसे का वैसा रहेगा, ये जो 57 है इसको इधर लेके आऊंगा, ठीक है। देखिए देखो फिर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, इसे देखिए ये आपका आ जाएगा 19, ठीक है, ये आपका 19 आ गया। इसके बाद देखिए हमको क्या निकालना था, ए डिवाइड बाई बी चाहिए था, ठीक है। तो अपने ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, तो हम इसमें पुटअप कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा अभी आंसर के लिए, देखिए देखो ए कितना है गाइस मेरा, ए है 57, ठीक है, डिवाइड में कितना है गाइस, बी 19, ठीक है। इसके आंसर हमारा निकल जाएगा, देखिए 3, ठीक है, 3 इज द फाइनल आंसर है गाइस, इसको नोट डाउन कर लो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।